नमस्कार। नित प्रतिदिन और दिन में बहुत सारे छोटे छोटे प्रश्न मैं आपके बीच में लाता जा रहा हूँ। छोटे छोटे प्रश्न इसलिए क्योंकि विद्यार्थियों की क्यूरियोसिटी इन्हीं के अंदर होती है और वो चाहता है कि इन छोटे प्रश्नों के माध्यम से हम लोग बड़े टारगेट्स अचीव करें, और यही कहलाता है पार्ट मेथड, जिसको हम शारीरिक शिक्षा में लागू करते हैं। संपूर्ण पाठ्यक्रम का एक साथ अभ्यास नहीं किया जा सकता, लेकिन पार्ट मेथड के माध्यम से विस्तृत सिलेबस को इंटरलिंक करते हुए हम लोग चल सकते हैं। तो इसी प्रकार का एक प्रश्न आज आपके बीच में मैं लेकर आया हूं। आमतौर पर पूछा जाता है एक प्रश्न कि कौन सी ग्रंथि, ध्यान दीजिएगा, विशेष तौर पर आपको एक प्रश्न दे रहा हूं, कौन सी ग्रंथि एक्सरे के माध्यम से, कौन सी ग्रंथि एक्सरे के माध्यम से भी पहचानी जा सकती है, कौन सी ग्रंथि एक्सरे के माध्यम से भी पहचानी जा सकती है। देखिए, अब यही एक विशेषता है। आप कहेंगे कि सब ग्रंथियों को पहचानने में एक्सरे की क्या जरूरत पड़ी, ये तो एंडोस्कोपी से भी हो सकता है। एक्सरे तो हड्डियों की आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है, एक्सरे कभी अंगों की स्थिति नहीं बताता, वो तो एग्जैक्टली रेडियोलॉजी है। रेडियोलॉजी मतलब रेडियो किरणों के माध्यम से, एक्स किरणों के माध्यम से हड्डियों की लोकेशन, बनावट, इनको ट्रेस करना, यही तो विशेषता है मेरे मित्रों शारीरिक शिक्षा की। अब देखिए, एक ऐसी ग्रंथि जिसको हम लोग कहते हैं पीनियल ग्रंथि, और यह ग्रंथि मस्तिष्क के अंदर होती है, लेकिन ये क्रेनियम बोन्स के साथ, जिस प्रकार क्रेनियम बोन्स फिक्स हो जाती हैं, जिन्हें हम लोग सचर जॉइंट्स के नाम से जानते हैं, मतलब फिक्स जोड़, इसी प्रकार से ये जो ग्रंथि है जिसको क्या कहते हैं पीनियल ग्रंथि। देखिए, मैंने यहां पर इसको दिखा दिया, ये पीनियल ग्रंथि उम्र का एक ऐसा दौर आता है जब इसकी जीवन में आवश्यकता खत्म हो जाती है, और अंतिम समय पर ये हमारे शरीर में मस्तिष्क के अंदर ही कैल्सिफाइड हो जाती है, मतलब इसके अंदर कैल्शियम लवणों की प्रधानता होती है। कैल्शियम सर्वाधिक दांत में पाए जाते हैं, उसके बाद हड्डियों में पाए जाते हैं। कैल्शियम जरूरत से ज्यादा जब कठोर हो जाते हैं तो वो पत्थर जैसा रूप ले लेते हैं, और यही ग्रंथि जिसे हम लोग पीनियल कह रहे हैं, यह ग्रंथि भी उम्र के अंतिम पायदान के ऊपर बिल्कुल पत्थर की तरह कैल्सिफाइड हो जाती है, पत्थर नहीं लेकिन पत्थर की तरह कठोर हो जाती है। और इसको जब भी हम लोग सिर का एक्सरे करते हैं तो बतौर एक लैंडमार्क हम लोग प्रयोग में लेते हैं। अब लैंडमार्क्स क्या होते हैं, लैंडमार्क्स मतलब वो चीजें जो किसी चीज का आभास कराती है, तो पीनियल ग्रंथि उम्र के अंतिम पायदान पर कैल्सिफाइड होकर हमारे शरीर के अंदर लैंडमार्क्स का आभास कराती है, जिसके माध्यम से हम लोग शरीर की विस्तृत, मतलब विस्तृत रूप से सिर की, ब्रेन की स्थिति का अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न आपके बीच में लेकर आता रहूंगा मित्रों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।